इस बार तो काजल निषाद का ही रहेगा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यही से गोरखपुर से कर रहे हैं और क्या दूसरे जगह से नहीं कर रहे हैं? हाँ। बाबा का गढ़ है भाई, पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। हाँ। तो सब कुछ बाबा ही करेंगे। हाँ। जो हमारा प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हाँ। उनको हमको देखना है ना, छोटी मोटी जरूरत के लिए। हाँ। बाबा को कॉल करेंगे कि सांसद को बुलाएंगे? ब्लॉक पे सारा आज तक सांसद कभी आए नहीं, आज तक जीवन में तो क्या बुलाया जाएगा सांसद को? देखी नहीं है रवि किशन जी को? कभी नहीं देखे है हम लोग। गोरखपुर का मुद्दा नहीं बता रहे हैं आप, बाबा का मैजिक बता सुनिए। रहे हैं। मैजिक नहीं। हाँ। मैजिक तो है ही है। जीएसटी का विरोध हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले किया था। हाँ। और जब आप आ गए। हाँ। तो जीएसटी अच्छी हो गई। डीजल पेट्रोल का दाम अगर 300 भी पार हो जाएगा ना, तो भी हम लोग बीजेपी ही रहेंगे। बीजेपी छोड़ के बाहर नहीं जानेंगे। ऐसी भक्ति क्यों है भाई? पहले मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल चला, पैदल आ जाए, फिर भी हम बीजेपी को ही अपनाएंगे। हमारा एआरओ का, आरओ का, यूपीपीसीएस का, लोअर पीसीएस का, ठीक है, ये सारे पेपर लिख हुए हमारे किसान प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ये अब लोकसभा सीट है गोरखपुर। और कहा जाता है कि ये बाबा का गढ़ है, यानी कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, और उन पर बाबा का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं रवि किशन पर दोबारा से किया गया है। सांसद वो पहले से हैं और इस बार फिर से उन्हीं को टिकट दिया गया है, और सपा से काजल निषाद है। ये नॉर्मल सी एक छोटी सी बाजार है जो शहरों से थोड़ी सी दूर लगती है, ये भटाट जगह है, और यहाँ पर लोगों का क्या मिजाज है ये जानने हम पहुँचे हैं कि इस बार फिर से रवि किशन जो है वो जलवा दिखा पाएंगे या नहीं, या काजल निषाद की तरफ लोगों का मन जा रहा है। तो ये बताइए कि जलवा किसका रहेगा, रवि किशन का रहेगा, काजल निषाद का रहेगा इस बार? हाँ। इस बार तो काजल निषाद का ही रहेगा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यही से गोरखपुर से कर रहे हैं और क्या दूसरे जगह से नहीं कर रहे हैं? हाँ। गोरखपुर से ही कर रहे हैं। ये तो बाबा का गढ़ है भाई। बाबा का गढ़ है तो बाबा का भी गोरखपुर में रहना है, योगी योगी कहना है, ऐसी बात नहीं, ये कौन कहता है? होली कौन से तारीख को मनाए थे? हा? कौन से तारीख? हम लोग 25 को मनाए थे। अच्छा, पूरा देश जब मनाया तो गोरखपुर अलग दिन मनाया। अरे तो क्या हुआ, योगी जी का गढ़ है वो कहे तो मनाए लो। हाँ। कौन सी बड़ी बात तो है? तो भी आज कह रहे हैं कि योगी जी के गढ़ में सेंधमारी कर देंगे काजल निषाद? नहीं, सेंधमारी तो हो ही सकता है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। वोट सही कह रहे हैं चाचा, काजल निषाद वोट ले जाएंगे इस बार गोरखपुर का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कहाँ से बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अरे अपनी अपनी समझ है भाई। हाँ। हाँ, अपनी अपनी समझ है। हाँ। तो रवि किशन में सांसद वाली कौन सी क्वालिटी नजर आती है बताइए? रवि किशन में आप तो सांसद ही चुनेंगे ना गोरखपुर के लिए? हाँ, 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 तो बताइए उनमें कौन सी क्वालिटी है? क्वालिटी तो सांसद वाले कौन से गुण है जिससे आप लोग प्रभावित हैं? गुण का बाबा गढ़ है तो हम लोग प्रभावित हैं बाबा से, योगी से। हाँ। रवि किशन की क्वालिटी बताइए सांसद वाली। क्वालिटी हो इधर तो आते नहीं है, लेकिन क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है बाबा का। अच्छा। योगी जी का है। हाँ। उनके माने कुछ नहीं है। और क्या, बाबा के नाते हम लोग वोट उनको दे रहे हैं। पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। हाँ। पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। हाँ। तो सब कुछ बाबा ही करेंगे। हाँ। जो हमारा प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हाँ। उनको हमको देखना है ना, वही तो। तो मेन बॉडी तो हमको वह चाहिए ना। हाँ। हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हाँ। उस लेवल का है नहीं है। हाँ। केवल बाबा के ही अकॉर्डिंग हम सबको पार्लियामेंट में भेज दें, वही तो, जो हमारी आवाज़ को उठाए, जो यहाँ शिक्षा। क्या कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। बढ़िया भोजन बना वाला चाहिए जो सबके बना खिला सके। हैं। अभी थोड़ा पूरा बारात जाई भोजन बनाई। हैं। अरे बाबा गढ़ है, यहाँ से नाई कौन दिक्कत बा? अच्छा, केहू ना हो पाई, वोट पाई जीती हूँ। तो रवि किशन की जगह कोई भी रहता जीत जाता, आप कहना? जीत जाता। हाँ, जीत जाता। बाबा के नाम पर सिर्फ। अच्छा, मात्र बाबा के नाम पर मोदी और योगी दे रहे हैं, वही समझिए ब्रांड है। अच्छा, उन्हीं के बल पर सारे नेता जीत के चले जाएंगे। आपके हिसाब से कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिसको टिकट दे दें तो पार्लियामेंट में 525 सीट है ना? 543। तो कहने का सेंस ये है कि सारे का प्रतिनिधि छोड़ दे, केवल वही लोग पार्लियामेंट बैठे, हमारी आवाज को कौन उठाएगा? यहाँ की शिक्षा, यहाँ की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ये केवल केवल मोदी देखेंगे? आके जो हमको हम पार्लियामेंट में भेज रहे हैं उनको देखेंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है। चाचा, सड़क, पानी, बिजली, शौचालय, किसी भी चीज की समस्या होगी तो सीधे बाबा से कांटेक्ट करेंगे क्या?
नहीं नहीं बाबा क्या क्या कह रहे हैं? हमारा ब्लॉक नंबर एक है इस मामले में, शौचालय में और क्या। अरे मतलब छोटी मोटी जरूरत के लिए बाबा को कॉल करेंगे कि सांसद को बुलाएंगे? ब्लॉक पे सारा आज तक सांसद कभी आया नहीं, आज तक जीवन में तो क्या बुलाया जाएगा सांसद को? देखी नहीं है रवि किशन जी को? कभी कभी नहीं देखे हम लोग। अच्छा नहीं किए यहाँ 60 साल की उम्र में हम लोग देखवे नहीं किए। 60 साल की उम्र में आप कैसे देखेंगे? अभी अभी तो जीते हैं, 5 साल हुआ उनको सांसद। 5 साल में कभी तो दर्शन देना चाहिए भगवान को, रोज पूजा कीजिए कभी भगवान दर्शन देते हैं तो 5 साल में एक बार तो दर्शन देना चाहिए। आपकी इच्छा है कि रवि किशन दिखे? देखते नहीं आते हैं, असल आते हैं, इनका नजरिया अलग है। नहीं रोड से अलग चले जाते हैं। हाँ मानते हैं रोड से जाते होंगे। खेते खेते नाइन खोज के मिली है वो जो रोड भाई वही से मिली है। प्यासा कुएं के पास जाता है, आपको दर्शन चाहिए तो आप जाइए। हाँ ठीक कह रही है, ठीक है। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता जो होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन आपको अपने माननीयों से मिलना है तो खुद जिसको जरूरत रहेगा वही मिलेगा, जिसको नहीं जो क्या करने मिल जाए। हम लोग उनके जरूरत ना, हम लोग खेती बाड़ी वाला आदमी है जो खेतों में रह जाइए दिन भर, तो कहाँ सांसद मांगने आ रहे हैं कि नहीं? ओटोवा मांगे आई है तब तो देख लो जाए कहाँ आई ला। ठीक है ठीक है। सीट लगभग सारा योगी के हिसाब से है और क्या, जब चाहेंगे तो उतना 80 सीटें हम 70 सीटें 60 सीटें जाएगा योगी मोदी के नाम पर चला। कैसे चाह के पा जाएंगे? पाएंगे यूपी में 72-73 सीट पाएंगे, आप नोट कर लीजिए आ जाइए, यही गठिया लीजिए कहिएगा कोई मिला था। हाँ तो मतलब सपा क्या कुछ भी दाल वाल नहीं गलेगा क्या? मैं अपने घर का सीट बचा लूँ बहुत बार। हाँ। अब जन्ना लड़ोले मड़ो जीते वाला कोई जन जीत के जाइए सपा से जीत के जाइए। सपा का यहाँ कोई बोलबाला नहीं है, जो भी है अपना तो कह रहे हैं भैया एक मिनट इनको देखिए कह रहे हैं काजल निकाल नहीं वो सब साइड में जाएंगे साइकिल के हमन के कुछ ना है वो सब साइकिल के महासचिव हाउ भाई बर्थ हम आई आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ। मतलब मैं आपका चैनल हमेशा देखता हूँ। अच्छा। आप बेबाकी से पूछती हैं। हाँ। और मैं आपको देखा सुदूर इलाके में जहाँ आपने गोरखपुर शहर, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए यहाँ क्या सिस्टम क्या है, यहाँ की टेंडेंसी क्या हो गई बीजेपी की, मुझे टारगेट नहीं करनी चाहिए कि अगर आप करेंगे क्यों नहीं, वो आप पे लेबल लगा रहे हैं आप सफाई बस वही कह रहे हैं कि अगर आपकी अच्छाई बुराई को हम बता रहे हैं तो आप सीधे बोल रहे हैं कि हम बाईबर्थ हैं, सच्चाई बता रहे तो भाई बर्थ है। आपका चैनल मैं बहुत देखता हूँ, बहुत बेबाकी से पूछती हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक कहना सिर्फ ये है कि जैसे वो क्या बोल रहे हैं अभी वो चले गए वहाँ, हमने सीधा ये कहा कि पार्लियामेंट में जिसको हम चुन के भेजेंगे वो हमारी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारी के लिए, इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे, आखिर केवल जिसको बीजेपी टिकट दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा का मैजिक है और बाबा चाहेंगे तो जितना चाहेंगे उतना सीट पाएंगे। अच्छा ये कैसे संभव बता दीजिए? वही तो कहने चाचा इधर आइए। ये संभव कैसे है? चाचा, ये संभव कैसे है? वही बताएंगे संभव कैसे। देखिए वो हमारे प्रधान जी हैं और हम लोग मित्र हैं। ठीक है? और प्रधान बताइए का कैसे बाबा चाहेंगे सारा सीट पा जाएंगे बताइए। बाबा वो जानते हैं वो अपना भर निकालना वही काफी है, 5 सीट है। 5 सीट अगर वो निकाल लेते हैं यहाँ यूपी में बड़ी बात है, समझिए। अभी आपने टारगेट क्या किया है? अभी आपने डायरेक्ट हमको टारगेट किया। ठीक है? है आपने पूछा कि केवल बाबा बाबा ही कैसे कर पाएंगे, उन्होंने कहा पूछ लीजिए 5 सीट से ज्यादा नहीं निकालेंगे। यही मानसिकता जो है पर्सनल अटैक पे क्यों आ जाते हैं कौन आप लोग? पर्सनल अटैक क्यों? पर्सनल नहीं भाई, हम जान रहे हैं ना, पिछले बार जब किशन लड़े थे देखे थी ना, इस बार भी लड़ रहे हैं, देख लीजिएगा आइएगा कहिएगा कहाँ क्या कर रहे हैं। अभी सुन लीजिए जो 4 लेंथ बन रहा है मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, और यदि हो सके तो इस बात को अपने स्तर पे उठाइएगा। 2016 के बाद, चूंकि मैं ऑथेंटिक बात करूँगा, ठीक ना, 2016 के बाद अभी जो है सर्किल का रेट नहीं बढ़ा है। जिन लोगों ने 6 लाख रुपये डिसिमिल जमीन खरीदा है, आप चले जाइए सरैया पे, जिन लोगों ने 6 लाख रुपये डिसिमिल खरीदा है उसको गवर्नमेंट 1,25,000 रुपये पर डिसिमिल दे रही है। एक हमारे जानने वाले हैं जो फॉरेन में रहे हैं, 2 बार की कमाई, वो 5-6 डिसिमिल जमीन खरीदे थे, उनको 70,000 रुपये पर डिसिमिल के हिसाब से पेमेंट मिल रहा है। अब बताइए कहाँ का न्याय है? मैं ये भी मतलब आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जमीन खरीद रहे हैं काश्तकारों का, देखिए आपकी जुबान बंद, औने पौने में
औने पौने में जमीन खरीद रहे हैं। सरकार की मंशा एकदम क्लियर साफ है, सरकार जमीन खरीदेगी काश्तकारों की, पेमेंट करेगी सर्किल रेट के हिसाब से। 2016 के बाद 2024 तक का सर्किल का रेट बढ़ा नहीं है, ठीक है। तो 70,000 रुपये डिसमिल, जहां हमने 6 लाख रुपये डिसमिल जमीन खरीदा है, वहां गवर्नमेंट मुझे 70,000 रुपये डिसमिल दे रही है, और वहां के काश्तकार, वहां के जनप्रतिनिधि। मुद्दे नहीं है आपके पास, गोरखपुर का मुद्दा नहीं बता रहे हैं आप, बाबा का मैजिक बता रहे हैं। सुनिए, मैजिक नहीं है? मैजिक तो है, है? मैजिक क्यों नहीं रहेगा? कह रहे हैं रवि किशन लड़ियाई, रवि किशन लड़ियाई खा ले रहा है। वो सब जब हार जाएंगे तब कहेंगे ईवीएम सब गलत है, जीत जाएंगे कहेंगे ईवीएम सब सही है। तो आपका इशारा ईवीएम है क्या? नहीं नहीं, बाबा का मैजिक ईवीएम से चलता है? नहीं, उनका प्रसाद काफी है यहाँ के लिए। किनका? आदित्यनाथ का। और क्या? अब बता दीजिए, उनका बेटा जो है फार्मेसी कर रहे हैं, ठीक है। जो फीस थी वो बढ़ी हुई है। अब जैसे उसको मतलब डिनाई ना करिए, जो फीस बढ़ी हुई है, कम से कम गवर्नमेंट को फीस कम करनी तो चाहिए। नहीं, दिक्कत है तो आपको क्यों दिक्कत है? महंगाई बढ़ गई है, महंगाई। अरे भाई, कार्य होगा तो महंगाई बढ़ेगा ही, विकास होगा तो महंगाई। आप बता दीजिए कि जब देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस समय कच्चे तेल का रेट, ठीक है, एक बार 46 रुपये प्रति बैलर हुआ था। जब तेल का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो उस हिसाब से मेरे तेल के और डीजल के रेट कम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आप बताइए, होने चाहिए कि नहीं बताइए? पूछ रहे, तेल का दाम ही नहीं कम करें। मामला है ये, अपने सरकार अखिलेश से पूछे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? अभी वर्तमान में आप क्या देखिए, सेंट्रल सुनिए, मैं प्रधानमंत्री को कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना जरूर पूछना चाहता हूँ। महंगाई मुद्दा है नहीं, जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब सूबे के उद्देश्य के प्रधानमंत्री थे, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री आज हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब GST मनमोहन सरकार ले आई तो पहला मुख्यमंत्री गुजरात के आदरणीय जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने उठाया था। नाम से परहेज कर रहे हैं ये इन्होंने उठाया था कि GST देखिए बात उसकी नहीं है। GST का विरोध हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले किया था, और जब आप आ गए तो जीएसटी अच्छी हो गई। वो कह रहे हैं तब समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया। अच्छा, गलती एक गलती होती है, एक जानबूझ के गलती की जाती है। आप बता दीजिए कि मर 2-व्हीलर है, 4-व्हीलर है, मैं उसको भी मतलब बता देना चाहता हूँ कि जब से लोन हुआ है, लोन MI हुई है, अगर कोई लड़का 25,000 की नौकरी कर रहा है तो उसके घर 4-व्हीलर खड़ी हो रही है और खींच के जा भी रही है। महंगाई नहीं है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, ये सब है, इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। इस पे ध्यान जाना चाहिए कि जो क्यों नहीं जा रहा है बताइए। महंगाई जा रही है, महंगाई महंगाई रहती 4-व्हीलर में कैसे खरीद लेता हुआ? 25 में माली 25 लेके लोन लेके चाचा लोन लेके लोन हाँ तो लोन ठीक है तो 4-व्हीलर का 2-व्हीलर में ले पाए 25,000 तनख्वाह बाबत तो ओके कार खरीदे जाए चाहे अभी 1 लाख में जाए चाहे फोर व्हीलर ना ही हो, सही बात है। चाचा क्या कह रहे हैं, महंगाई हो तो 4-व्हीलर ना चलाओ, अब हमारे महंगा और तेल महंगा हो जाए तो 2-व्हीलर हमारे महंगाई बा तो हमके डीजल पेट्रोल का दाम अगर 300 भी पार हो जाएगा ना तो भी हम लोग BJP ही रहेंगे, BJP छोड़ के बाहर नहीं जानेंगे। ऐसी भक्ति क्यों है भाई? नहीं, BJP अपना आज से नहीं, बहुत पहले से BJP यहाँ पर है। अगर अभी 96-92 रुपया चल रहा है डीजल पेट्रोल, अगर 200 पार हो जाए ना, 300 पार हो जाए तो भी हम BJP को ही देंगे वोट, हम लोग BJP वाले ही हैं। भले मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल पैदल आ जाए फिर भी हम BJP को ही अपनाएंगे। दो चीज, महंगाई या बेरोजगारी जब कोई उठाते हैं तो समझ लीजिएगा ये साइकिल वाला जरूर है। अच्छा, यही तो मुद्दा जान लीजिए, यही तो मुद्दा है उनके पास। तो मतलब युवा नौकरी ना मांगे और गरीब रोटी ना मांगे, ये नहीं। अगर आप रोटी मांगते हैं और आप नौकरी मांगते हैं तो आप सफाई हो सकते हैं, कांग्रेसी हो नहीं दे रहे हैं नौकरी, अब बिजनेस नहीं करवा रहे। जो बंद था यूरिया खाद वाला, जो फर्टिलाइजर लीजिए और लोन से कार्य करिए। अभी तो पेपर लीक करा दे रहे हैं। कौन पेपर? सबके रोटी नहीं हुआ पेपर लीक, बताइए ना किसके शासन में पेपर लीक नहीं हुआ? एक चोर थे तो एक साहूकार आए, वो बोले हमारे राज में नहीं होगा। चूंकि पेपर लीक उसके जमाने में भी हुआ तो उसको भी पकड़े नहीं गए लीक करने वाले? इधर आइए, हमको कितना दौड़ाएंगे। सिर्फ मेरा ये कहना है कि पिछली सरकार अच्छी नहीं थी। थोड़ा सा इधर आइए, कैमरा भी देखे आपको। पिछली सरकार अच्छी नहीं थी,
जनता ने इग्नोर कर दिया, आपको अच्छा समझ के ले आया। हमारा एआरओ का, आरओ का, यूपीपीसीएस का, लोअर पीसीएस का, ठीक है, ये सारे पेपर लिख हुए हमारे किसान, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ये अब दूसरी चीज और है, मतलब जहां तक मेरी जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 62,000 कुछ का यूपीपी का भर्ती थी, जिसमें जो 400 रुपए पर फीस गवर्नमेंट की थी, 2,17,00,000 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया, 2,17,00,000 गवर्नमेंट के अकाउंट में ऑलरेडी चला गया। अब ये परीक्षा यूपी गवर्नमेंट कहती है कि हम 4-5-6 महीने के बाद फिर करा देंगे, ये सांत्वना दे रहे हैं आप, ठीक, ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमसे गलती हो रही है, हमसे कमी हो रही है, जो पिछली सरकार ने कमी किया था जनता ने उनको इग्नोर कर दिया। आपको तो अच्छा समझ के लिया है ना, तो आपको अच्छा करना चाहिए ना। वो तो चोरी थे, वो तो बेईमान थे, तभी तो हटाया गया। आपकी तो ईमानदार, ऑस्ट्रेलिया में गड्ढा खरीदा था सब, वहाँ जो है लंदन में होटल खरीदा था, कैसे खरीदा था आखिर वो सब, पहले वाले जो रहा है लंदन में सब होटल खरीद ले बाने, उनके लेके लंदन में पढ़ता है, हमारे तो हर सबके लेके यहीं पढ़ता है, तो जे कमाइले बाओ के ते लंदन में होटल खरीद ले बा, ऑस्ट्रेलिया में गड्ढा खरीद ले बा, बंधा खरीद ले बा, कौन नहीं कमा रहा है चाचा बताए, जोगी के ना कमाइले बाने, कै लाख कै करोड़ धर ले बाने। अच्छा, और इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा निकल रहा है, जोगी इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं धैले बाने, बीजेपी ने रखी है ना, सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला है चाचा, ये बताइए, जोगी सही सही बताइए, आपको जानकारी है कि नहीं, जो योगी।